हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज इस वीडियो में लेसन 14 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि द मंकी किंग के नाम से है। आप सभी जानते हैं कि इस कहानी को आप ही के क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 4 से लिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को और पढ़ते हैं द मंकी किंग। गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फॉलोअर्स द वैल्यूज ऑफ लाइफ। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे कि जीवन कितना मूल्यवान है। ही नरेटेड द स्टोरीज ऑफ हिज फॉर्मर लाइफ एज बर्ड्स एनिमल एंड मैन। उन्होंने अपनी कहानियों में क्या किया है कि चिड़ियों के बारे में, जानवरों के बारे में और आदमियों के बारे में कई ऐसी कहानियाँ लिखी हैं। These are known as the जातक tales। इन कहानियों को जातक कहानियों के नाम से जाना जाता है। The main character in each story is बुद्ध in his previous birth। मुख्य जो चरित्र होता था प्रत्येक कहानी में बुद्ध का, तो वो उनके पूर्व जन्म का होता था। Read on of one of the जातक tales given here। आइए यहाँ पर एक हम जातक कहानी को पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बंदर की कहानी मुझे लग रही है, तो शुरू करते हैं इस कहानी को। वंस देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ मैंगोस इन अ फॉरेस्ट। एक बार की बात है कि एक जंगल में आम के पेड़ों का एक समूह था। अ मंकी किंग लिव्ड देयर विथ हिज ट्रूप ऑफ मंकीज। एक बंदर राजा वहाँ पे रहता था बंदरों के समूह के साथ, यानी कि सारे बंदरों का वो राजा था। देयर वॉज ए टॉल ट्री जस्ट बिसाइड अ रिवर। वहाँ पे एक बहुत ही लंबा पेड़ था जस्ट नदी के बगल में। इन समर द ट्रीज वर लेडन विथ गोल्डन फ्रूट्स। गर्मी के दिनों में पेड़ों पे सुनहरे फल लग जाते थे। द मंकी किंग वॉन्ट ऑल द मंकीज नॉट टू अलाउ एनी फ्रूट फॉल इन द रिवर। वानर राजा ने सभी वानरों को बुलाकर चेतावनी दी कि एक भी फल नदी में नहीं गिरने चाहिए। इट वुड अट्रैक्ट पीपल टू दिस फॉरेस्ट। अगर एक भी फल गिर जाता है तो वो लोगों को जंगल की ओर आकर्षित करेगा, यानी कि लोग आएंगे और इस जंगल को तहस नहस कर देंगे और फिर हम यहाँ पे बच नहीं पाएंगे। वन डे ए राइप फ्रूट फेल इन टू द रिवर। एक दिन की बात है, एक पका हुआ फल नदी में गिर पड़ा। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर टुक द मैंगो विद इट। अब वो बहता हुआ जल नदी का उस मैंगो को बहाकर लेकर गया। एट लास्ट इट रिच्ड बनारस ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। ब्रह्मदत्त द किंग ऑफ बनारस वॉज टेकिंग अ बाथ इन दिस रिवर। तो उस बहते उसी समय क्या हुआ कि जब वो पहुँचा अंत में बनारस के गंगा नदी के तट पर, जहाँ पर बनारस के राजा ब्रह्मदत्त स्नान कर रहे थे। सम फिशरमैन वर कैचिंग फिश। कुछ मछुआरे वहाँ पे मछली पकड़ रहे थे। व्हेन दे पुल्ड द नेट, जब उन लोगों ने नेट को खींचा, दे फाउंड ए गोल्डन फ्रूट इन इट, तो उन्होंने पाया कि एक सुनहरा फल उसमें फंसा हुआ था। दे वेंट टू द किंग एंड प्रेजेंटेड द फ्रूट टू हिम। वे लोग राजा के पास गए और राजा को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया उस फल को। द किंग रिटर्न टू द पैलेस। राजा इसके बाद महल वापस आया। ही टेस्टेड ए स्लाइस एंड गेव द रेस्ट टू हिज क्वीन एंड मिनिस्टर। उसने क्या किया कि उस आम के टुकड़े को टेस्ट किया और इसके बाद बचा हुआ रानी को और अपने मंत्रियों को खाने के लिए दिया। दे हैड नेवर टेस्टेड सच ए डिलीशियस फ्रूट इन देयर लाइफ। उन लोगों ने अपने जीवन में इतना स्वादिष्ट फल कभी चखा नहीं था। द किंग वॉन्ट टू इट द फ्रूट मोर एंड मोर। अब राजा
चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस फल को खाऊं। ही डिसाइडेड टू सर्च द मैंगो ट्री, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उस पेड़ को मैं खोज कर ही दम लूँगा। अ फ्लीट ऑफ बोट्स वाज अरेंज्ड, इसके बाद नावों का एक दल तैयार किया गया, नावों का एक समूह तैयार किया गया, कई सारे नाव लाए गए। द किंग सेल्ड अप द रिवर विद हिज मैन, इसके बाद राजा उस नदी में अपने आदमियों के साथ सवार हो गया, सॉरी नदी में नहीं, बोट पे। आफ्टर द जर्नी ऑफ मैनी डेज दे रिच द प्लेस वेयर द मैंगो ट्री स्टूड, एक लंबी यात्रा के बाद, कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे लोग उस स्थान पे पहुंच गए जहां आम के पेड़ खड़े थे। द मंकी किंग वॉज इन्फॉर्म बाई ए मंकी अबाउट इट, इसके बाद वानर राजा को सूचना मिल गई एक बंदर के जरिए, एक बंदर ने जाकर सूचना दे दी इस बात की। ही न्यू डैट सम स्ट्रेंजर्स हैड कम टू इन्वेट हिज ब्यूटीफुल गार्डन, वह जानता था कि वे स्ट्रेंजर्स जो आए हैं वो क्या करेंगे कि उनके खूबसूरत बगीचे को तहस नहस कर देंगे, उस पर हमला करेंगे और उसको बर्बाद कर देंगे। ऑल द मंकीज वर सराउंडेड बाई द सोल्जर्स, जितने भी बंदर थे सबको सैनिकों के द्वारा घेर लिए गए। इट वॉज ए साइन ऑफ डेंजर, यह क्या था कि खतरे का चिन्ह था। ही हैड टू सेव द लाइफ ऑफ अदर मंकीज, अब उसे ये चिंता सताने लगी कि उसे अन्य बंदरों के जीवन को बचाना है। देयर वॉज ए ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे साइड में भी एक पेड़ था। ही जम्प्ड अक्रॉस द रिवर, उसने वो क्या किया कि उसने नदी को तुरंत पार किया कूदकर। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर अदर मंकीज, लेकिन यह अन्य बंदरों के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो नदी को पार कर जाएं। ही थॉट आउट ए प्लान टू सेव देम, इसके लिए उसने क्या किया कि एक प्लान बनाया, एक योजना तैयार की। ही डिसाइडेड टू मेक ए बम्बू ब्रिज बिटवीन द टू ट्रीज, इसके लिए उसने क्या किया कि एक बांस का ब्रिज बनाना चाहा, बांस का ब्रिज बनाने के लिए सोचा जो कि दो पेड़ों के बीच में बनाया जाए। द मंकी किंग अपरूटेड ए लॉन्ग बम्बू, तो इसके बाद वानर राजा ने एक लंबा सा बांस उखाड़ कर लाया। ही टाइड वन एंड ऑफ द बम्बू टू ए ब्रांच ऑफ ट्री, उसने क्या किया कि अपने एक बांस के एक छोर को एक पेड़ की शाखा से बांध लिया। ही टाइड अनदर एंड ऑफ द बम्बू टू हिज फीट, और बांस के दूसरे छोर को उसने अपने पैरों में बांध लिया। ही जम्प्ड बैक टू द मैंगो ट्री, इसके बाद वो मतलब वहाँ से कूद पड़ा मैंगो के पेड़ से। ही हैड ए मिस्टेक इन हिज कैलकुलेशन, लेकिन उससे गलती हो गई थी कैलकुलेशन में, उससे गणना में गलती हो गई थी, थोड़ी सी मिस हो गई थी गलती। द बम्बू प्रूव टू बी समथिंग शॉर्ट, ऐसा लग रहा था कि जो बांस को उसने पुल बनाने के लिए सोचा था वो बांस थोड़ा सा छोटा पड़ गया। ही वॉज एबल टू ग्रेस्प ए ब्रांच ऑफ द ट्री, वह मतलब ना क्या हुआ कि किसी भी तरह से वह पेड़ की शाखा को पर पहुंच पाया, एबल हो पाया। द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाई हिज बॉडी, क्योंकि उसने क्या किया था कि अपने बॉडी जो छोटा हो जाता था, यानी कि जो छोटा हुआ था, जितना छोटा पड़ रहा था बांस, उतना उसने पूर्ति कर लिया अपने बॉडी से, अपने अंगों से। द मंकी किंग एडवाइज द मंकी टू क्रॉस द रिवर वॉकिंग ऑन हिज बैक, इसके बाद वानर राजा ने बंदरों को एडवाइस किया, सलाह दिया कि वे सब नदी को पार करें उसके पीठ पर चढ़कर। ऑल ऑफ द मंकीज डिड सो एंड नाउ देयर वॉज नो डेंजर फॉर देयर लाइव्स, तो जितने भी बंदर थे सब ने वैसा ही किया और ऐसा कोई भी और कोई खतरा नहीं था उनके जीवन का। दे हैड रिच द अदर मंकी ऑफ द रिवर, वे लोग मतलब नदी के दूसरे किनारे पहुंच गए। बट वन मंकी वॉज स्टिल हियर, लेकिन एक बंदर वहां पर अभी भी फंसा हुआ था। द मंकी किंग आस्क्ड हिम टू क्रॉस द रिवर क्विकली, तो वानर राजा ने उस बंदर से कहा कि जल्दी से तुम इस नदी को पार करो। द लास्ट मंकी जम्प्ड विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन हिज बैक, तो अंतिम बंदर जो था वो इतना तेजी से कूदा घबराहट में कि वो उसके पीठ पर ही कूद गया, मतलब उसके बैकबोन जो था वो टूट गया। द मंकी किंग्स बैकबोन ब्रोक एंड ही क्राइड इन ग्रेट पेन, तो इसके बाद बंदर राजा की
रीढ़ की हड्डी जो थी वो टूट गई और वो काफ़ी ज़ोर से कराहने लगा तकलीफ़ में। किंग ब्रह्मदत्त वाचिंग एवरीथिंग। किंग ब्रह्मदत्त वहीं से हर चीज़ देख रहा था। ही सॉ द मंकी हु रिस्क्ड हिज लाइफ टू सेव अदर मंकीज। उसने देखा कि बंदर को जिसने अन्य बंदरों के जीवन को बचाने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया था। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन टू टेक डाउन द मंकी किंग केयरफुली। तो राजा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि बंदर राजा को सावधानीपूर्वक लेकर आओ। द किंग सेड टू द मंकी किंग। फिर इसके बाद राजा ने वानर राजा से कहा कि यू मेड ए ब्रिज ऑफ योर बॉडी फॉर अदर मंकीज। तुमने तो एक पुल बना दिया अन्य बंदरों को बचाने के लिए, खुद अपने आप को ही पुल बना दिए। यू रिस्क्ड योर लाइफ एंड सेव देयर लाइव्स। तुमने अपने जीवन पर रिस्क उठाया है और दूसरे बंदरों के जीवन को बचाया। द डाइंग मंकी सेड। तो इसके बाद मरते हुए बंदर ने कहा कि दे आर माई चिल्ड्रेन, वे लोग मेरे बच्चे हैं। एंड आई एम देयर किंग, और मैं उनका राजा हूँ। दे हैव ऑलवेज लव्ड एंड ट्रस्टेड मी, वे लोग मुझसे हमेशा प्यार करते थे और मुझ पे भरोसा करते हैं। इट इज़ माई ड्यूटी टू सेव देयर लाइव्स, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके जीवन को बचाऊँ। द किंग टोल्ड द मंकी किंग। इसके बाद राजा ने मंकी किंग से ऐसा कहा, यू नो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी वेल, तो तुम तो अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छा जानते हो। आई विल नॉट हार्म योर मंकीज, मैं तुम्हारे वानरों को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आई एम दिस मैंगो ग्रुप, और इस आम के बगीचे को भी नहीं नुकसान पहुंचाऊंगा। लिसनिंग दिस दी मैंगो द मंकी किंग क्लोज्ड हिज आइज फॉर एवर। इतना सुनते ही बंदर ने अपनी आँखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया। द मंकी किंग वॉज गिवेन ए फनरल ऑनर ऑफ ए किंग। इसके बाद राजा का एक राजकीय सम्मान की तरह उसका अंतिम संस्कार किया गया, यानी कि उसको राजकीय सम्मान दिया गया, जैसे एक राजा का अंतिम संस्कार होता है। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी, मुझे ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे जो जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, धन्यवाद।